चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने के भारत सरकार के फैसले की वजह से चीन से तीखी प्रतिक्रिया आई है। अच्छा, गुस्सा जबरदस्त है क्योंकि नुकसान हो रहा है, पैसे में इसे नहीं तोला जा सकता क्योंकि सांकेतिक रूप से अगर भारत जैसे एक ऐसे मुल्क में जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर हम हर तरह के व्यापार को तमाम मुल्कों के साथ खुला रखते हैं, ऐसे देश में अगर फैसला लिया जाता है कि 59 चीनी ऐप्स को बैन किया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संदेश होता है और ये संदेश देने में भारत कामयाब रहा है। इसीलिए चीन की बौखलाहट दिखाई दे रही है। पहले तो चीन का जो भारत में दूतावास है वहां से कहा गया कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, भारत ने ऐसा करके सही फैसला नहीं लिया है। चीनी एम्बेसी की तरफ से इस पर बयान आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रोपेगेंडा मशीन जिसके जरिए चीन अब इस पूरे मामले पर भारत पर ही उंगली उठाने की हिमाकत कर रहा है। हम आपको बताते हैं ग्लोबल टाइम्स, वही समझिए लगभग चीन की सरकार जो सोचती है कहती है वही ग्लोबल टाइम्स में छपता है। क्या छपा है, क्या लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार संकट की परिस्थितियां आई, एलएसी पर कई सारे विवाद हुए, 2017 के डोकलाम विवाद को बार बार इस आर्टिकल में कोट किया गया है और ये समझाने की कोशिश है कि तब भी आर्थिक मोर्चे पर कोई भी परेशानी दोनों देशों के बीच नहीं आई थी। लेकिन इस नींव पर, इस बिसात पर, उस आर्टिकल में जो सबसे तीखा प्रहार किया गया है वो ये कि भारत अब चीन के साथ क्या व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर छेड़ रहा है क्योंकि नौबत उसकी पहुंच जाएगी। यानी दबी आवाज में एक धमकी देने की कोशिश है, बौखलाहट भी समझिए। एक साथ भारत ने 59 उनके चीनी ऐप्स को बैन किया है तो नुकसान जितना हो पैसे का हो, लेकिन सांकेतिक रूप से ये बहुत बड़ा प्रहार है। एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिका भी पूरी तरह से चीन को घेर रहा है हर मुद्दे पर, चाहे वो ह्यूवे जैसी कंपनी जिसके सीधे पीएलए के साथ रिश्ते की बात होती है, या फिर ऐसे तमाम चीनी कंपनियां जो हैं उन पर अगर अमेरिका शिकंजा कस रहा है और भारत उसमें खुलकर साथ दे दे तो चीन को पता है कि एक तो वैसे ही इतनी बदनामी हो चुकी है पूरी दुनिया में COVID-19 फैलाने की वजह से, ऊपर से एक के बाद एक ऐप्स का, उनकी कंपनियों का इस तरह से धराशायी होना, आर्थिक रूप से और सांकेतिक रूप से चीन की बड़ी बदनामी हो रही है। और इसी थूथू के बौखलाहट से शायद चीन इस तरह की बातें अपने इस प्रोपेगेंडा के जरिए सामने रखने की कोशिश कर रहा है। तो 2017 का जिक्र करते हुए कहते हैं कि डोकलाम विवाद हुआ था तब भी दोनों मुल्कों ने समझाने की कोशिश की थी, आपस में मामले को सुलझा लिया था, आर्थिक संकट तक बात नहीं पहुंची थी। लेकिन इस बार अगर भारत एक तरफा तरीके से ऐसा फैसला लेता है तो दोनों देशों के बीच ये एक ट्रेड वॉर, एक व्यापार युद्ध की तरफ बढ़ने के संकेत है। इसके बाद क्या एलिबाई लेते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हिंदुस्तान में बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। वो हिंदुस्तान के नेशनलिज्म को मुद्दा बनाने की फिराक में है। उनका कहना है कि इंडिया में जबरदस्त नेशनलिज्म बढ़ रहा है और भारत में इस राष्ट्रवाद के बढ़ते दबाव की वजह से मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि नहीं, हम 59 ऐप्स को अब बैन कर देंगे। तो एक बात तो साफ दिखाई देती है कि न रिसर्च है इस आर्टिकल के पीछे, ना उन्होंने पूरी बात को सही परिपेक्ष में रखा है, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर में, नॉर्मल परिस्थितियों में लिया हुआ फैसला नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जब सरहद में पहली बार दोनों मुल्कों के बीच इस तरह से खूनी झड़प हुई, हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया, उसके बाद हिंदुस्तान ने इतना सख्त कदम लिया है। दूसरी बात, चीन क्या बोलेगा? चीन जैसा मुल्क जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने मुल्क के अंदर अलाउ नहीं करता है, हम जैसे रिपोर्टर्स जब चीन पहुंचते हैं तो ना हम ट्विटर एक्सेस कर सकते हैं, ना फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं, ना हजारों ऐसे कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पूरे विश्व में चलते हैं, हर जगह है, लेकिन चीन में बैन है। क्यों? क्योंकि वही राष्ट्रवाद, वो अपने सिर्फ ऐप्स को वहां पर परमिशन देते हैं ताकि निगरानी रख सके ना, उनकी नजर। देखिए, चीन में डेमोक्रेसी है नहीं, अब लोकतंत्र है नहीं, तो हर जगह सरकार की नजर रहती है। ऐसे अब सरकार की नजर हर जगह रहती है तो ऐसे में वो सिर्फ अपने बनाए हुए ऐप्स रखते हैं ताकि वो हर यूजर का सर्वेलेंस कर सके। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने ये भी कहा है कि हमें तो डेटा लीक होने और डेटा चुराने का सीधा शक है इस वक्त चीनी ऐप्स के जरिए, और इसीलिए हम इतना सख्त कदम उठा रहे हैं। तो पूरी तस्वीर साफ है,
चीन अपने इस प्रोपेगेंडा मशीन और प्रोपेगेंडा आर्टिकल के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों मुल्कों में अब आने वाले वक्त में अगर भारत इस कदम को पीछे नहीं लेता है तो ट्रेड वॉर छिड़ जाएगा। फिर वो कहता है कि बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के दबाव में यह फैसला लिया गया है, लेकिन हिंदुस्तान की परिस्थिति साफ है। एलएसी पर आप परिस्थिति को सामान्य करने को तैयार नहीं है। 5 मई के पहले की परिस्थिति में अगर आप वापस चले जाएं तो आगे समझौते की बात हो सकती है, लेकिन आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। न सिर्फ 15 जून की उस रात की खूनी झड़प हिंदुस्तान को हमेशा याद रहेगी, बल्कि ये भी याद रहेगा कि अगर आप अपने इन एप्स के जरिए हिंदुस्तान की जानकारी, हिंदुस्तान का डेटा लीक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी ये साजिशें नाकाम करने का हुनर हमें आता है।